आज की रेसिपी है बिहारी स्टाइल सहजन आलू के सब्जी की तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सहजन और आलू को कट कर लिए हैं इसके बाद अब हम पैन में एक चम्मच तेल गरम करेंगे और सहजन और आलू को एक से दो मिनट के लिए भुनने के बाद इसे हम अलग रख लेंगे अब एक मसाला तैयार कर लेंगे तो इसके लिए ब्लेंडर जार में दो चम्मच पीली सरसों सात से आठ लहसन की कली आधी छोटी चम्मच ज़ीरा चार से पांच काली मिर्च ऐड करेंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे अब हम पैन में दो चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे अब इसमें आधी छोटी चम्मच पंच फोरन दो सूखी हुई लाल मिर्च और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे साथ ही इसमें एक कप टमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे एक से दो मिनट भुनने के बाद अब इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी मिर्च नमक धनिए का पाउडर ऐड करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि मसालों में से तेल नहीं छूट जाता अब हम फ्राई किए हुए सहजन और आलू ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर कर चार से पाँच मिनट के लिए पका लेंगे अब आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करके मिक्स कर लीजिए और सब्जी तैयार इसे गर्मा गर्म चावल रोटी या पराठा के साथ सर्व करिए साथ ही अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें